चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्ट यहीं से करते हैं। आज प्लानिंग है हमारी पूरा कल्पा एक्सप्लोर करने की और जाने के सुसाइड पॉइंट। ये कल्पना था सुसाइड पॉइंट पे जाके फायदा ही क्या है, जब लोग वहां मरते हुए नहीं, वो एक्चुअली नाम है सुसाइड पॉइंट। अभी उसका भी रीजन बताऊंगा कि उसका नाम सुसाइड पॉइंट क्यों रखा। रीजन ये है, अब यहाँ नहीं रीजन बताऊंगा, थोड़ा सा तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप करके वीडियो मत देखना, पूरी जानकारी मिलेगी कल्पा एक्सप्लोर कैसे करें। बाकी आप थोड़े से सिनेमैटिक साउंड देखो यहाँ से कितने अल्टीमेट है। अब जी हवाएं देख रहे हो आप कितनी तेज हैं, और बिल्कुल पास में ही सेब का पेड़ है। ये देखो बहुत छोटे छोटे अभी सेब लगे हुए हैं, अभी हमने एक दो खा के देखे, काफ़ी खट्टे होते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं। और टाइम है अभी मानसून स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ जो खूबसूरती नज़र आ रही है ना कल्पा की, मन मोह लेगी, ट्रस्ट मी। पूरी देखो ये कल्पा वैली दिखाई दे रही है, और ये स्टे हम जहाँ रुके हैं, बाकी हम चलते हैं। तो कल्पा के बारे में बता दूँ, कल्पा रिकांगपियो रीजन में, यानी किन्नौर ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर रिकांगपियो है, वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है कल्पा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस, और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, जो अगर रिकांगपियो जो स्पीति वैली सर्च करते हैं ना, वो कल्पा में एक दिन ज़रूर रुकते हैं। तो कल आपने वीडियो देखी कि हम लोग पहुँच आए थे कल्पा दिल्ली से बाई बस, और उसके बाद हम सीधा आए यहाँ पे, तो हमें ये होटल मिल गया, होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। बाकी ये छोटी सी मार्केट कल्पा की, कल्पा में रुकने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो रोड जा रही है ना, वो सामने देख रहा हो, वहाँ पे भी बहुत सारे होटल स्टे और साथ के साथ ऐसे गेस्ट हाउस बहुत मिल जाएंगे, वो आपके बजट के ऊपर है। और मैं प्राइसिंग स्टार्ट की बात कर देता हूँ, तो यहाँ पर 300-400 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अभी तो जब मैं आया हूँ तो पीक टाइम है, थोड़ा है यहाँ पे लेकिन उतना नहीं है। अभी किसी ने बताया कि आप जब काजा जाओगे ना, काजा में तो इस समय हालत ख़राब हो रखी है। आप वो देखते जाओ, छोटा सा गांव, और यहाँ से उतरने के बाद यहीं है। हमने ना सुसाइड पॉइंट तक जाने के लिए टैक्सी का जो फेयर आता है वो 400 आता है, अगर आप सिर्फ सुसाइड पॉइंट यानी किन्नौर पॉइंट तक जाते हो। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक विलेज है आगे, उसका नाम है रोकी विलेज, तो अगर आप वहाँ तक जाते हो तो वहाँ के लिए 500 चार्जेस हैं, जिसमें आना जाना दोनों होगा। बाकी चलते हैं एक बार और आपको सारा दिखाते हैं। ये भैया हैं, इनकी शॉप भी है यहाँ पे, ये हमें लेके चलेंगे, ये जहाँ मैं रुका हूँ बिल्कुल उसके पास में ही है। चलते हैं फिलहाल, लेके हमें चलेंगे वो सुसाइड पॉइंट तक। ये रहा, हमने कल रात को खाना यहाँ पर खाया था, वो बस स्टैंड है सामने, वहाँ से आप सीधे आओगे रहा चौराहा, और यहाँ से ये पार्किंग का रास्ता है, हम पार्किंग के साइड बढ़ रहे हैं। बाकी मैं आपको जब लौटूंगा तो फिर वहाँ से उस किले तक लेके चलूँगा। काफ़ी अच्छा लगा कल्पा, बहुत ही साफ़ सुथरा छोटा सा गांव है। ये क्या है, न्यायिक बंदीगिरी भैया, यहाँ पे अगर कोई क्राइम करोगे तो यहाँ पे जेल भी है, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और आप एक चीज़ कल्पा में आओगे ना, तो आप एक बड़ी अच्छी चीज़ देखोगे, महसूस करोगे, वो ये है कि यहाँ के फेसेस पे हमेशा स्माइल रहती है, और यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, बहुत क्रेज़ है यहाँ पे लोग फुटबॉल के लिए। तो बिल्कुल, मैं जब आया था तब भी मैंने देखा था कि बच्चे बहुत सारे फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप अपनी व्हीकल से आते हो तो बता दूँ, यहाँ पर पार्किंग वार्किंग के कोई ऐसे चार्जेस नहीं होते, बहुत स्पेस है, आप चाहे तो यहाँ खड़े कर सकते हो, जहाँ आपको मिले आप वहाँ खड़ी गाड़ी खड़ी कर दो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ गाड़ी खड़ी करके आराम से, बहुत सारे आगे होटल हैं, आप कहीं भी स्टे कर सकते हो। तुम्हारी शांति कैसे हो रखी है, क्या हुआ? चलो अभी धीरे धीरे शांति हो है। और ये इस पर क्या लगा रखा है इतना सारा वाइट? ये पता है एंड्रू साइमन बन गया है, पहले वो भी ऐसे ही वाइट वाइट के लगा के क्रिकेट खेलता था। और मुझे लग रहा है यही वाली रोड जाएगी सीधी उस सुसाइड पॉइंट तक। चलो जी अपनी गड्डी आ गई। तो जी फाइनली बैठ चुके हैं कैब के अंदर, भैया लेके जा रहे हैं। तो अगर कल्पा आप आते हैं इन दोनों पॉइंट्स पर जाना बहुत मस्ट है, बिकॉज अगर आपने यहाँ आके किन्नौर पॉइंट सुसाइड पॉइंट वो नहीं देखा, तो मतलब कल्पा आना इतना वर्थ नहीं,
1865 की एक बहुत पुरानी पिक भी आपको दिखानी है, बिकॉज उस टाइम यहाँ पे कुछ हुआ था, उसके बाद इसका कुछ रेनोवेशन हुआ है। बहुत ही अल्टीमेट वहाँ से जो सीन दिखता है ना, ये अलग ही लेवल का दिखता है। भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, आप रास्ते में देख लो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे होटल हैं। एक रेजिडेंसी यहाँ पे भी है। जब आप रोगी विलेज की तरफ जाते हो ना, तो बहुत सारे रास्ते में आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे। वैसे यहाँ किन्नर कैलाश क्यों बोलते हैं? यहाँ भगवान जो अर्धनारीश्वर उसका रूप है क्या, कुछ ऐसा है? अच्छा, क्योंकि किन्नौर उसी पड़ा होगा ना, मूर्ति ना पार उसकी। अच्छा, ओके। वाली जी पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट पे, और ये रहा सुसाइड पॉइंट। अब इसका नाम सुसाइड पॉइंट क्यों है, किन्नौर पॉइंट क्यों नहीं है, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आप व्यू आपको पहले बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले ये देख लो, ये लोग वहाँ तक चले जाते थे फ़ोटो क्लिक कराने के चक्कर में। अभी तो ये लग चुका है, वहाँ चले जाते थे, दैट्स रीज़न वो गिर जाते थे। और गिरने के बाद उनकी क्या मिलेगी यहाँ पे, आप देखो कुछ मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेट जगह भाई साहब, मज़ा आ जाएगा यहाँ अगर आप आओगे ना। क्या माउंटेन देखेंगे, मतलब जिसके कोई सीमा ही नहीं है, और नीचे तो बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं। वो नीचे आप दूर अगर देख पा रहे हो, एक छोटी सी सड़क वहाँ है, वही दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। और हवा, ठंड तो बिल्कुल अलग ही लेवल की है। तो ऐसा दिख रहा है, चक्कर आ जाए देख के। हाँ, क्या लिखा हुआ? अच्छा, यहाँ भी लिख दिया। अरे भगवान, हर जगह सोना लिखा कि किसी का आई लव। ओ भाई साहब, दीपक भाई साहब एकदम। यहाँ से अगर इंसान सही बता रहा हो, सुसाइड पॉइंट इसीलिए रखा गया था, अगर लोग ना ये नहीं लगता ना इस टाइप से, और वो तो लोग सच में यहाँ पे वहाँ पे चले जाते और सीधे इसी चक्कर। और यहाँ से गिरने के बाद ना कुछ नामुमकिन, नीचे से सीधे ऊपर जाता। यहाँ पे चेतावनी भी दे रखी है, पॉइंट बहुत ही ऑसम, बहुत ही ऑसम पॉइंट है। तो अब बात कर लीजिए यहाँ आने की, आने पे ये है आप पैदल भी आ सकते हो, भी कर सकते हो। कैब का ऑलरेडी मैंने बता दिया आपका कितना लगेगा। पैदल आने में अगर कल्पा से आप आते हो तो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की आपकी ट्रैकिंग होगी। हमने ऑलरेडी ट्रैक कर लिया है चाका का, तो हमारे पैरों में तो जान बची नहीं, दैट्स रीज़न हमने अपनी कैब कर ली है। बाकी आप लोग अगर पैदल आना चाहते हो तो बहुत आराम से यहाँ आओ, और यहाँ से जो आपको ना एक मेमोरी मिलेगी वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल की मिलेगी। बाकी अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत सारी स्टोरी के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मिल जाएगी बहुत सारी। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। चलते हैं जी, ये वाला पॉइंट कवर हो गया, अब हम आपको लेके चलते हैं रोगी विलेज, बिल्कुल यहाँ से पास में है, वहाँ आप देखना मिलेगा क्या आपको। यहाँ आपको बता दूँ बस भी आती है, तो बस वाला भी ले सकते हो, इसके बारे में जानकारी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा।
लास्ट तक वीडियो देखना। चार बजे कल्पा से चलती है, तो चार बजे इसकी टाइमिंग है, तो आप इससे भी आ सकते हो। इससे रोकी तक जाने का 10 रुपये चार्ज लगते हैं, और अगर आप यहाँ सुसाइड पॉइंट पे रुक के जाना चाहते हो, यहाँ पे रुक के फिर 1 किलोमीटर पैदल चल लो, ऐसे ही ऑप्शन है। तो मुझे दिख गई तो मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। रोगी विलेज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को करेक्शन करके, आई एम सो सॉरी, रोकी नहीं था, वो रोगी था, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा रोगी हाइट्स, इसका नाम है रोगी विलेज, और बस भी यहीं तक आती है। यहाँ से जो व्यू है, नज़ारे, वो भी बहुत ही अल्टीमेट। वहाँ आपने देखा किन्नर कैलाश के, और यहाँ से आपको ग्रीनरी मिलती है। चलते हैं, आपको लेके चलते हैं रोगी विलेज में, और आपको थोड़ा सा रोगी विलेज भी दिखाते हैं कि भाई है कैसा। अब वहाँ सुसाइड पॉइंट तक आ गए तो रोगी विलेज में तो आना बनता है ना। और एक यहाँ पे मंदिर भी है, आप चाहो तो दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं, पता नहीं रास्ता कहाँ से। बेटा मंदिर का रास्ता कहाँ से है? अच्छा इधर से, अच्छा नीचे, अच्छा गुड। ये है रोकी विलेज का अंदर का सीन, आपको लेके चलते हैं। रोकी विलेज भी दिखा रहे हैं, एक हिमाचल का एक छोटा सा गांव जो बहुत ही फेमस है अपने व्यू के लिए, वहां लेके चलते हैं। उनकी गलियों से आपको व्यू दिखाएंगे, ताकि आप भी आओ तो इन सारी चीज़ों को मिस ना करो। कुल मिला के मेन मोटिव यही रहता है दिखाने का, कि घर से निकलो, बजट में निकलो अच्छे साथ, और कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो, किन परेशानियों का मैंने सामना किया है उनका अपना करो, तो बहुत कुछ बताने का यही होता है। यहाँ पे पहुँचने का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारे 3-4 साधन हैं। सबसे पहले तो आप पैदल आ सकते हो, 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, नीचे से ही जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहीं से आपका रास्ता हो जाता है। और उसके साथ के साथ टैक्सी अवेलेबल है, 400-500 चार्ज लेते हैं, और बस 10 रुपये में आपको पहुँचा देती है। लेकिन बस की टाइमिंग होती है 4 बजे की, 4 बजे आपको जाके बैठना होगा। गुड, अच्छा है, नाइस। 4 बजे आपको बस स्टैंड जाना होगा। नीचे से बता दिया है रिपो ने कि भाई बहुत अच्छा है, अल्टीमेट, कम चलते हैं। मंदिर की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मंदिर चल के देखते हैं मंदिर किसका है और कैसी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है। पैर हमारे बहुत दर्द कर रहे हैं, हमने चाका की ट्रैकिंग की है, आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो देखो, बहुत ही अल्टीमेट वीडियो। बोलो बेटा। मंदिर में आ गए, बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हो एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कोंगपियो में किस टाइप के मंदिर होते हैं। बहुत ही अलग मंदिर, बहुत ही अलग, विष्णु भगवान के सभी रूपों को यहाँ पे, शिव विष्णु भगवान के सभी रूपों को दिखाया गया, नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण। अभी तो बंद है शायद मंदिर ना, मंदिर अभी बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छी और काफ़ी अच्छा है। और मुझे लग रहा है यहाँ से एंट्री का बना रहे हैं ये, और इस मंदिर का नाम है माहेश्वर जी महबर नारायण जी मंदिर, और बहुत ही अच्छा, यहाँ पुराने ज़माने के गांव के रखे हुए हैं सारा कुछ। ये अलग टाइप से मंदिर है, किस पे खड़ा है ये मंदिर? पत्थर पे, लकड़ी पे, पत्थर और लकड़ी पे पूरा मंदिर बनाया गया है ना, सही। आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। जो रोगी विलेज है ना, वहाँ से ग्रीन पहाड़ दिखेंगे आपको। चलो जी, इन प्यारे व्यू को छोड़ते हुए यहाँ से अलविदा कहते हैं, और हम सीधा पहुँचते हैं अपने पॉइंट पे, जिसका मैंने आपको बता रखा कल्पा विलेज में जो फोर्ट है, उस फोर्ट से आपको दिखाते हैं, व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे, उस फोर्ट को भी दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। लेकिन वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप आते हो ना, वहाँ जाना ज़रूरी है आपका, बिकॉज वहाँ से व्यू ना बहुत ही अलग लेवल के दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी खेतियाँ होती हैं एप्पल की। चलो जी, अब निकलते हैं सीधे कल्पा की तरफ। हम यहाँ पहुँच गए और अब चलते हैं कल्पा मार्केट में, पहले कुछ पेट पूजा करते हैं, है कि नहीं, मैगी खानी है कि, और शाम को देखो यहाँ हवा कैसी चलती है, बिल्कुल हिमाचली हवा चलती है, हिमाचली हवा चलती है।
कल्पा में एक बहुत अच्छी जगह हमें दिखी आराम से। यहाँ पे दाम भी बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन दाम है, है कि नहीं? बिल्कुल 50 रुपीस आपको मैगी मिल जाएगी विथ वेजिटेबल मैगी, और एग्जैक्टली 40 रुपीस में मिल जाएगी। तो मैंने देखा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ना खाने पीने का रेट बहुत ही जेन्युइन है। कल्पा की गलियों में विचरण कर रहे हैं, इसका नया लुक देख सकते हैं आप लोग। कमेंट करके बताओ दीपक कैसा लग रहा है। इसने तो आज अपना लुक ही बदल लिया, इसी में टाइम ज़्यादा लग गया। और अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मंदिर है बहुत ही अच्छा कल्पा में, और ये कल्पा की गलियाँ हैं। अब ये जो ब्लॉगिंग हो रही है मोबाइल से हो रही है, बिकॉज GoPro ने अपना साथ छोड़ दिया और पूरी तरीके से डाउन हो गया है। यहाँ आना ना भूले, ये मंदिर है, बहुत मंदिर है, और इसका नक्शा, इसकी बात है, एटमोसफियर बहुत ही अल्टीमेट लगे। और यहाँ से कल्पा पीछे देख रहा हूँ, अल्टीमेट बहुत ही अच्छा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इतनी प्यारी जगह है, ट्रस्ट मी, मतलब क्या बताऊँ इसके बारे में, बहुत दिन कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। पहुंच गए, बहुत ही अच्छा है। आओ अंदर लेके आपको चलते हैं। डेली यहाँ की डेली लाइफ है यार, ये यहाँ का छोटा सा स्कूल, पीछे फोर्ट। कल यहाँ से हमारी सीधी बस है रिकांगपियो से ताबू के लिए। वो वाला ब्लॉग भी आप देखना ना भूलना, बहुत ही मस्त विलेज है, बहुत सारी मॉनेस्ट्री है। अच्छा ये बंद है, अच्छा ये फोर्ट बंद है, यही है। अच्छा आदिशक्ति देवी चंडिका किला, बहुत पुराना ये फोर्ट है यहाँ। और यहाँ से मैंने आपको इसलिए बोला था कि मैं आपको लेके आऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन तब भी आप व्यू देखना चाहोगे, ये देखो। सही लगे ना, बहुत ही अल्टीमेट। अरे वाह वाह वाह, से पूरा दिखेगा, चांद की रोशनी से पूरा दिखने वाला, आज तो बिल्कुल क्लियर है वो चांद और पूरा पहाड़ रात को दिखेगा। फिलहाल ये वाला ब्लॉग मैं रात को फिनिश करूंगा, एक बार आपको दिखा के चांद की रोशनी में कैसा दिखता है ये पूरा किन्नर कैलाश। हाँ जी, भगवान शंकर के दर्शन करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। वाह, पहाड़ी के इस तरफ बादल फंसा हुआ है, इस तरफ बादल हिल ही नहीं पा रहा है, वो देख रहे हो एक बादल इधर फंसा हुआ, वो पीछे ही फंसा हुआ है इसके, हिल ही नहीं पा रहा है। सही सही, क्या ऊंचाई है भाई पर्वत की। इसका अगले महीने यानी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी यात्रा, बहुत टाइम से 2017 से बंद है, और भगवान शिव की वहां पे कहीं इस इन दोनों के पीछे वहां पे शिवलिंग है, ये यहां पे, अच्छा वहां शिवलिंग है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और साथ के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोटिवेशन मिलती है, नए एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।